साथियों, प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, 11 अप्रैल 2022 का एक महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्राओं के लिए। मध्य प्रदेश स्कूल की छात्राओं को सरकार की नई सौगात, घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी देगा विभाग, जानिए पूरी जानकारी। साथियों, इसमें हम DPI द्वारा जो आदेश जारी किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी, उसको भी हम देखेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अब 9वीं से 12वीं की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाइक तथा अन्य वाहन चलाने की ट्रेनिंग देगा। वहीं घर बैठे छात्राओं को ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब स्कूली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग से छात्राओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग के साथ ही लर्निंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए बकायदा स्कूली छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी एवं ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस को लेकर जारी किया निर्देश। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक की विद्यालयों में अध्ययनरत लाडली लक्ष्मी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की छात्राओं को मिलेगा इस योजना का लाभ। समस्त प्रचार उनके विद्यालय में अध्ययनरत लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की सभी छात्राओं का चिन्हांकन करेंगे। सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के उपरांत निर्धारित तिथि पर आधार कार्ड, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट फोटो मंगाकर sarthi.parivahan.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्राचार्य प्रचार द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस हेतु वेबसाइट sarthi.parivahan.government.in पर आवेदन की प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित की जाएगी। DPI ने जारी किए ये निर्देश। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया, आइए देखते हैं क्या निर्देश जारी हुए हैं। समस्त प्राचार्य उनके विद्यालय में अध्ययनरत लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की सभी छात्राओं का चिन्हांकन करेंगे। सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के उपरांत निर्धारित तिथि पर आधार कार्ड, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट sarthi.parivahan.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। पासपोर्ट फोटो मंगाकर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस हेतु वेबसाइट sarthi.parivahan.government.in पर आवेदन की प्रक्रिया संलग्न कर प्रेषित है। प्रशिक्षित प्राचार्य शिक्षक चिन्हांकित छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। वेबसाइट पर नॉक टेस्ट व प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध हैं। निर्धारित तिथि पर सभी छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन सिस्टम पर जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड किया जाकर छात्राओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। लर्निंग लाइसेंस बनाने के पश्चात लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत चिन्हित छात्राओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। इस हेतु शाला प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध राशि अथवा स्थानीय निधि से राशि व्यय की जा सकती है। उपरोक्त लाडली लक्ष्मी की छात्राओं के अतिरिक्त अन्य ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिनकी उम्र 18 या उससे अधिक, उन्हें भी चिन्हांकित किया जाकर उनके लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु उपरोक्त प्रक्रिया की जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्रवाई का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, यहाँ पे इसकी प्रोसेस दी गई है। साथियों, आप देख सकते हैं। आइए हम एक महत्वपूर्ण आदेश को भी देख लेते हैं जो इसी संबंध में जारी किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया है साथियों लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का यह आदेश है। 11 अप्रैल 2022 की स्थिति में यह जारी हुआ है।
आइए इस आदेश के हम मुख्य भाग का अवलोकन करते हैं। यह आदेश प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को लिखा गया है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को लिखा गया है, साथियों इसमें विषय दिया गया है शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं एवं अन्य छात्र छात्राओं के ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने बाबत। तो इस आदेश के हम मुख्य भाग का अवलोकन भी कर लेते हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्राओं एवं अन्य छात्र छात्राओं के ऑनलाइन लाइसेंस बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। चूंकि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत योजना दिनांक 1/4/2007 को लागू की गई थी, जिससे उसमें दिनांक 1/1/2006 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को जिनकी आयु 1/1/2022 को 16 वर्ष हो चुकी है उनके लिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पूर्व निर्देश अनुसार बनाया जाना है, शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पात्रताधारी लाडली लक्ष्मी छात्राओं की जानकारी जिला स्तर पर कार्यालय अधिकारी महिला बाल विकास से प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्रवाई पूर्ण कर जानकारी निम्न प्रारूप पर ईमेल, यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी दी गई है, आप देख सकते हैं dpividhya@gmail.com पर प्रेषित करें। तो ये था एक महत्वपूर्ण आदेश, आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।